लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने बात करने जा रहा हूँ ग्रहों में सेनापति मंगल का राशि परिवर्तन के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कि मंगल जो है वो एक ऊर्जा का प्लैनेट है, एक एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट है, एक जिसको हम बोलते हैं सोलर सिस्टम में एक अग्रेसिव प्लैनेट, अग्रेशन का प्लैनेट, या हम बोल सकते हैं कि एक्शन ओरिएंटेड प्लैनेट है मंगल है। आपकी लाइफ में जो भी घटित होता है, खास करके आपके उत्साह से संबंधित, आपके कॉन्फिडेंस लेवल से संबंधित, मंगल उन सब चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि मंगल का गोचर आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अगर मार्स यानी मंगल आपके बर्थ चार्ट में वेल प्लेस है, अगर मार्स आपके बर्थ चार्ट में कैप्रिकॉन में प्लेस्ड है, एग्जाल्टेड साइन में प्लेस्ड है, एरीज या स्कॉर्पियो में प्लेस्ड है, यू विल ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ सक्सेस इन लाइफ। एंड ये वीडियो उन लोगों के लिए बड़ा इन्फॉर्मेटिव होगा जिन लोगों के ऊपर मंगल की महादशा या अंतरदशा चल रही है। अगर आपके ऊपर मंगल की महादशा या अंतरदशा चल रही है तो ये वीडियो 100% आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा। 27 जून 2022 से लेकर 10 अगस्त 2022 तक मंगल जो है वो मेष राशि में गोचर करेंगे, अपनी खुद की राशि में गोचर करेंगे जो कि उनका ऑन साइन है। युति होगी राहु के साथ, युति होगी राहु के साथ, मंगल का गोचर होगा आपके फर्स्ट हाउस में एरीज असेंडेंस के लिए। जैसे कि आप सबको पता है कि मेरी ये प्रेडिक्शंस आपके असेंडेंस पे बेस्ड हैं, आपके सन साइन से, आपके मून साइन से मेरी प्रेडिक्शंस का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अपने असेंडेंस साइन को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोस को सुने। तो सबसे पहले बात करते हैं एरीज असेंडेंस की। एरीज असेंडेंस के लिए मंगल का गोचर हो रहा है फर्स्ट हाउस में, लगन में लगन का लॉर्ड। एक तरह से भाग्य आपका चमकेगा, रुके हुए काम आपके बनेंगे, आपका हार्डवर्क पे ऑफ करेगा, लेकिन ये राहु केतु के एक्सेस में भी हो रहा है। तो जो भी काम बनेंगे कुछ डिले से बनेंगे, कुछ हडल से बनेंगे। जब डिग्रीकली मंगल और राहु 7 डिग्री के घेरे में आ जाएंगे, यानी कि 7 डिग्री का कंजक्शन में आ जाएंगे, तो उस समय आपको कुछ ट्रबल्स फेस करनी पड़ेंगी। अपनी हेल्थ को लेकर अवेयर होकर चलें, अपनी वेल्थ को लेकर अवेयर होकर चलें, किसी पर ट्रस्ट ना करें, किसी को अपना पैसा ना उधारी दें, आपको कहीं से कोई चीटिंग का सामना करना पड़ सकता है। मार्स और राहु का कंजक्शन आपके फर्स्ट हाउस में ये आपके लिए कुछ प्रॉब्लम्स का को भी दर्शा रहा है, खास करके आपकी प्रोफेशनल लाइफ से संबंधित जो आपकी एक्सपेक्टेशंस होगी उसके अकॉर्डिंग काम ना होगा, क्योंकि मंगल राहु की अंगारक योग आपके फर्स्ट हाउस में है। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बड़ा अनस्टेबल रहेगा, अनबैलेंसिंग सिचुएशन रहेगी, हार्डवर्क बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन यहाँ पर मंगल आपको फ़ायदा ज़रूर देगा क्योंकि अपनी राशि में है। सिर्फ जब 60 डिग्री में राहु के साथ कंजक्शन में होगा उस समय थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट होगी। ओवरऑल यहाँ पर मार्स की पोजिशन बड़ी स्ट्रॉन्ग है। यू विल ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स, यू विल ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ गुड रिस्पेक्ट, यू विल ब्लेस्ड विद अ लॉट ऑफ न्यू टाई अप्स। यहाँ से मंगल की फोर्थ आस्पेक्ट आपके फोर्थ हाउस पे, सेवन्थ आस्पेक्ट आपके सेवन्थ हाउस पे, एट्थ आस्पेक्ट आपके एट्थ हाउस पे होगी। तो अपनी लव लाइफ के प्रति केयरफुल होकर चलें, घर का माहौल ना ख़राब होने दें, स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा ना करें, स्पाउस के साथ आर्गूमेंट्स ना करें, किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा में इन्वॉल्व ना हो, खास करके स्पाउस को रिस्पेक्ट दें क्योंकि मंगल की सप्तम दृष्टि आपके सेवन्थ हाउस पे है, इट विल क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। मार्स एक अग्रेसिव प्लैनेट है, ऊर्जा का प्लैनेट है, और आपके लगन में राहु के साथ युति बना के अंगारक योग बना रहा है, तो घर का माहौल ख़राब हो सकता है, लव लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। अगर आपका कोई अफेयर चल रहा है या ऑलरेडी आप किसी अफेयर में हैं, लिविंग रिलेशनशिप में हैं या शादीशुदा हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा अवेयर होकर चलने की ज़रूरत है। लड़ाई झगड़ा कला क्लेश से दूर रहेंगे तो मंगल का गोचर आपके लिए यहाँ पर लाभकारी सिद्ध होगा। जितना ज़्यादा अपने आप को पॉजिटिव वे में रखेंगे, जितना ज़्यादा पॉजिटिव थॉट्स सोचेंगे, जितना ज़्यादा पॉजिटिव एटमॉस्फेयर में रहेंगे, उतना ज़्यादा ये ट्रांजिट आपके लिए बेनिफिट रहेगा। अब बात करते हैं टॉरस असेंडस की। देखें, आपके लिए जो मार्स का गोचर है वो 12th हाउस में होने जा रहा है, सेवन्थ लॉर्ड आपके 12th हाउस में ऑन साइन में गोचर करेगा। विदेश यात्रा आपकी होने वाली है, पीआर अप्लाई कर रखी थी, वर्क परमिट अप्लाई कर रखा था या विजिटर वीज़ा अप्लाई कर रखा था, वो क्लिक हो जाएगा। फॉरेन से रिलेटेड आपको कोई अच्छी खबर आ सकती है, फॉरेन से रिलेटेड आपको कहीं कुछ आपके रुके हुए काम बन सकते हैं। अगर आप किसी फॉरेन कंपनी से जुड़ के कुछ काम करते हैं, ये खुद फॉरेन में हैं, तो आपको बड़े अच्छे बेनिफिट्स होंगे, सैलरी आपकी राइज हो सकती है। अगर आप किसी विदेशी कंपनी में जुड़े हुए हैं, प्रमोशन इंक्रीमेंट आपको मिल सकता है, आपके द्वारा किए गए एफर्ट स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे। अगर आप किसी विदेशी काम में जुड़े हुए हैं, विदेश से अगर आपकी कोई डीलिंग है, तो मंगल का गोचर 12वें भाव में अपनी राशि में फॉरेन से आपको अच्छा खासा मुनाफा दिला सकता है, गेंस दिला सकता है। लेकिन अगर आप डोमेस्टिक मार्केट में काम करते हैं तो मंगल का गोचर यहाँ पर आपको लिटिगेशन में भी इन्वॉल्व कर सकता है। आपको बहुत ज़्यादा अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलना है, अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्थ का ध्यान रख के चलना है। ओवरऑल मार्स का गोचर आपके 12th
हाउस में, अगर आप विदेश से संबंधित जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं तो उसमें बड़ा बेनिफिट आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप डोमेस्टिक मार्केट में कोई काम करते हैं तो आपको हार्डवर्क और स्ट्रगल देखने को मिलेगा, कामों में कुछ रिकावट भी आएगी, डिले भी होगा। सो नीड टू बी केयरफुल, हनुमान जी की भक्ति ज़रूर करें, चमेली के तेल का दिया हनुमान जी के आगे ज़रूर जगाएं ट्यूसडे नाइट को, सैटरडे नाइट को। तो आपके लिए गोचर 27 जून से लेकर 10 अगस्त तक कुछ अच्छा रहेगा, अदरवाइज़ यहाँ पर आपको कुछ कॉम्प्लिकेशंस का सामना करना पड़ेगा। अब बात करते हैं जेमिनी एसेंडेंस की। आपके लिए 11th हाउस में मंगल की युति हो रही है, राहू के साथ मंगल का गोचर हो रहा है एरीज साइन में, वन ऑफ द बेस्ट पोजिशन फॉर यू। यू विल मेंट लॉट ऑफ मनी, यू विल गेट सपोर्ट फ्रॉम हायर अथॉरिटी, यू विल ब्लेस विद अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स, यू विल फील मच रिलैक्स एंड पॉजिटिव, यू विल अर्न लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड, योर फ्रेंड्स विल हेल्प यू, आपके दोस्त, आपका सोशल सर्कल आपको मदद करेगा, आपके काम बनते जाएंगे, आपके द्वारा किए गए एफर्ट स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होते जाएंगे। ये सारा टाइम यू विल ब्लेस विद अ लॉट ऑफ फाइनेंशियल गेन्स, आपके पैसे से संबंधित अगर कुछ प्रॉब्लम्स थी तो वो रिसॉल्व होंगी, अगर पैसे से संबंधित कुछ दिक्कत चल रही थी तो वो रिसॉल्व होगी। ये सारा समय आपके लिए गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा और आपको हायर अथॉरिटी से सपोर्ट मिलेगी, लोन चाहते हैं वो मिल जाएगा, दोस्तों की मदद मिलेगी, वेल विशर्स की मदद मिलेगी, आपके जो वेल विशर्स होंगे आपके साथ स्टैंड लेंगे। दिस विल बी अल्टीमेट ट्रांजिट फॉर यू जेमिनी, आपके लिए तो नई अपॉर्चुनिटीज आएंगी, प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब बात करते हैं कैंसर एसेंडेंस की। 10th हाउस में आपका ये गोचर होगा, राहु के साथ युति होगी, प्रोफेशनल लाइफ में कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर सकते हैं, कोई नई डीलिंग कर सकते हैं, प्रोफेशन में गेन होगा, जॉब में है तो सीनियर्स आपकी परफॉर्मेंस से बड़े सेटिस्फाई होंगे। इस सारे समय में आपके रुके हुए काम बनते जाएंगे, आपका हार्डवर्क पे ऑफ करेगा, आपके द्वारा किए गए एफर्ट स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे। ये सारा समय 10th हाउस में मार्स का गोचर, प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर कोई काम करते हैं तो अनएक्सपेक्टेड गेन्स हो सकता है, व्हीकल सेल परचेज से संबंधित अगर कोई काम करते हैं तो अनएक्सपेक्टेड गेन हो सकता है। ये सारा समय आपके लिए आपके फाइनेंस को लेकर, आपके हेल्थ को लेकर, आपकी वेल्थ को लेकर, आपके रिसोर्सेज को लेकर अल्टीमेट रहेगा। फादर के साथ आपके टाई अप बहुत अच्छे रहेंगे, फादर की हेल्थ बेटर हो जाएगी। ये सारा समय आप कुछ नया अपने प्रोफेशन में एक्सपेंड कर सकते हैं या अपने प्रोफेशन को और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। ये सारा समय गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा, रुके हुए काम आपके बनते जाएंगे। अब बात करते हैं लियो सेंडस की। आपके लिए नवम भाव 9th हाउस में मंगल का गोचर हो रहा है, भाग्य का पूरा साथ आपको मिलेगा। जिस काम के लिए आप पिछले 1-1.5 महीने से स्ट्रगल कर रहे हो वो काम 27 जून के बाद क्लिक होने शुरू हो जाएंगे, रुके हुए सारे काम स्पीड पकड़ लेंगे, एकदम से होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि नवम भाव में मंगल ऑन साइन में होगा। राहु के साथ युति जरूर होगी, लेकिन अगर आप हनुमान जी की भक्ति करते रहेंगे, हनुमान जी के आगे चमेली के तेल का दिया जगाएंगे, हनुमान चालीसा का उच्चारण करेंगे, संकट मोचन का उच्चारण करेंगे, तो मंगल और राहु की युति में आपको कोई नुकसान होने वाला नहीं है, क्योंकि राहु मंगल का कुछ बिगाड़ नहीं पाता अगर आप हनुमान जी की रेगुलर चैंटिंग वर्शिप करते रहते हो तो। तो मंगल का गोचर नवम भाव में विदेश से आपको जोड़ेगा, पीआर आपको मिल सकती है, वर्क परमिट आपको मिल सकता है, विदेश में जाने का अवसर आपको मिल सकता है, बिजनेस प्रोफेशन से संबंधित आप फॉरेन में जाएंगे जिसमें आपको बड़े अच्छे बेनिफिट मिलेंगे, रुके हुए काम आपके बनते जाएंगे, आपका हार्डवर्क पे ऑफ करेगा, आपके द्वारा किए गए एफर्ट स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होते जाएंगे। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी फॉर यू, यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कम्फर्ट्स, लॉट ऑफ सक्सेस एंड लॉट ऑफ पीस ऑफ माइंड। आपके फादर आपको सपोर्ट कर सकते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स आपको सपोर्ट कर सकते हैं। ये सारा समय गुड फॉर्चून आपका स्माइल करेगा और आपका हार्डवर्क आपको पे ऑफ करेगा। अब बात करते हैं वर्गो सेंडस की। आपके 8th हाउस में मंगल राहु की युति होने वाली है, आपके 8th हाउस का लॉर्ड 8th हाउस में गोचर करेगा। जो लोग किसी शोध से जुड़े हुए हैं, किसी रिसर्च से जुड़े हुए हैं, या साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर हैं, एस्ट्रोलॉजर्स हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं या आध्यात्मिक गुरु हैं, उनके लिए मंगल का गोचर सोने पे सुहागे वाला रहेगा। काफ़ी अच्छा मुनाफा आपको मिलेगा, गुड फाइनेंशियल गेन्स मिलेंगे, हार्डवर्क पे ऑफ करेगा, आपके द्वारा किए गए एफर्ट स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होते जाएंगे। लेकिन अगर आप बिजनेसमैन हैं तो बहुत अलर्ट के चलें, कोई नई इन्वेस्टमेंट अभी ना करें। 27 जून से लेकर 10 अगस्त तक का किसी पर ट्रस्ट ना करें, नई इन्वेस्टमेंट ना करें, किसी को पैसा ना उधारी दें, आपके लिए अच्छा रहेगा। अगर उधारी देंगे तो आपको पैसा वापस नहीं मिलेगा, यू नीड टू बी केयरफुल। लेकिन अगर आप आध्यात्मिक गुरु हैं, टीचर हैं, लेक्चरार हैं, रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, या आप किसी किस्म के भी आध्यात्मिक गुरु हैं, या आप योगा टीचर हैं, तो ये सारा समय आपके लिए बड़ा ही प्रॉमिसिंग रहने वाला है। अब बात करते हैं लिब्रा सेंडस की। 7th हाउस में मंगल राहु की युति होगी, आपका घरेलू वातावरण खराब रहेगा, स्पाउस के साथ आपके रिश्ते खराब हो सकते हैं, इवन यहाँ तक कि सेपरेशन तक की नौबत आ सकती है। 27 जून 2022 से लेकर 10 अगस्त 2022 तक यू नीड टू बी केयरफुल व्हाइल टॉकिंग विद योर स्पाउस।
डेली इनकम आपकी ग्रोथ लेगी, डेली इनकम ग्रो करेगी, फाइनेंस अच्छा हो जाएगा, हेल्थ वेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, सेविंग्स आपकी बढ़ेंगी, पार्टनरशिप के ऑफर्स आपको आएंगे, हो सकता है किसी के साथ आप नई पार्टनरशिप स्टार्ट कर लें या बिजनेस स्टार्ट कर लें और उसमें आपको अच्छा खासा मुनाफा भी हो। ये सारा समय आपके लिए आपका गुड फॉर्चून स्माइल करेगा, रुके हुए काम आपके बनते जाएंगे, आपका हार्डवर्क पे ऑफ करेगा। लेकिन स्पाउस के साथ केयरफुल होकर चलें, स्पाउस को रिस्पेक्ट देके चलें। जितना ज़्यादा दोस्तों स्पाउस को रिस्पेक्ट देके चलोगे, अपने लव लाइफ की ओर ध्यान देके चलोगे, उतना ज़्यादा ये टाइम आपके लिए अच्छा रहेगा। अदरवाइज़ यू विल सी लॉट ऑफ अप एंड डाउन, यू विल फेस लॉट ऑफ क्रूशियल पीरियड इन दिस पीरियड, इन दिस ट्रांजिट, स्पेशली इन द टर्म्स ऑफ योर पर्सनल लाइफ। यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट वाइल टॉकिंग विद योर स्पाउस। अब बात करते हैं स्कॉर्पियो सेंडस की। लगन के लॉर्ड और सिक्स हाउस के लॉर्ड सिक्स हाउस में गोचर करेंगे राहु के साथ। नया कर्जा भी आपको मिल सकता है, पुराना कर्जा आप चुका भी सकते हो, फौरन से अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है क्योंकि सप्तम दृष्टि ट्वेल्थ हाउस में है। फौरन में जाना हो सकता है, फौरन में आना हो सकता है, विदेश यात्राएं आपको बहुत ज़्यादा लाभवांछित करेंगी, गुड गेंस रहेंगे, फाइनेंस आपका अच्छा रहेगा, हेल्थ वेल्थ आपकी अच्छी रहेगी, रिसोर्सेज आपके बिल्ट होंगे। अनएम्प्लॉयड थे तो नौकरी मिल जाएगी, कर्जा था सिर पे तो उससे मुक्ति मिलेगी, नया कर्जा भी मिल सकता है और पुराने कर्जे से राहत भी मिल सकती है, गवर्नमेंट से आपको कोई लोन आपका क्लिक हो सकता है अगर आपने अप्लाई कर रखा है। दिस होल टाइम विल ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी फॉर यू, यू विल एंजॉय लॉट ऑफ कंफर्ट्स, पीस ऑफ माइंड, सक्सेस इज स्टोर फॉर यू। हनुमान जी की चैंटिंग करना ना भूलें, ओम सीता राम चा हनुमते नमा, ओम सीता राम चा हनुमते नमा का मंत्र जाप करें 108 बार मिनिमम, 151 बार मैक्सिमम। द मोर यू चैंट दिस मंत्र द मोर यू फील मैजिक्स अराउंड यू। जितना ज़्यादा हनुमान जी की भक्ति करेंगे, जितना ज़्यादा हार्डवर्क करेंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको बेनिफिट्स मिलेंगे। कर्जे से मुक्ति मिलने वाली है, बीमारी ठमारी थी तो उससे मुक्ति मिलने वाली है, अनएम्प्लॉयड थे तो काम मिलने वाला है आपको। ये इस समय का एडवांटेज उठाएं, दिस विल बी अ वेरी गुड ट्रांजिट फॉर यू। ये मत सोचें कि राहु के साथ युति है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ युति उस समय काम करेगी जब 7 डिग्री के घेरे में मंगल और राहु का कंजक्शन हो जाएगा, तो थोड़ी सी स्ट्रगल देखने को मिलेगी। बट ओवरऑल 27 जून से लेकर 10 अगस्त का पीरियड आपके लिए एक्सीलेंट जाने वाला स्कॉर्पियो, व्हेन यू फील मच रिलैक्स एंड बेटर एंड यू विल एंजॉय ऑल अराउंड सक्सेस। अब बात करते हैं सजिटेरियस असेंडस की। दोस्तों आपके लिए फिफ्थ हाउस में ये गोचर होगा, स्टॉक मार्केट से बेनिफिट होंगे, ओल्ड इन्वेस्टमेंट फ्रूटफुल रिजल्ट देगी, लेकिन नई इन्वेस्टमेंट अभी ना करें। यू नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट, किसी पे ट्रस्ट ना करें, किसी को पैसा ना दें, अपने अपने लव लाइफ की ओर ध्यान दे के चलें, अपने वे ऑफ टॉकिंग की ओर ध्यान दे के चलें, अपने लव वन के साथ। शादीशुदा हैं तो भी रिश्ते की ओर ध्यान दे के चलें, लव लाइफ आपकी यहाँ पर थोड़ी सी स्पॉइल हो सकती है, ख़राब हो सकती है, डिस्टर्ब हो सकती है, यू नीड टू बी केयरफुल। हनुमान जी की उपासना करते रहें, हनुमान जी को मीठे पान का भोग लगाएं, हनुमान जी को किसी स्वीट्स का भोग लगा दें, वो भी आपके लिए चलेगा ट्यूसडे नाइट को। जितना ज़्यादा हनुमान जी की भक्ति करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। अब बात करते हैं कैप्रिकॉर्न असेंडस की। आपके लिए फोर्थ हाउस में गोचर होगा, घर का माहौल ख़राब हो सकता है, मदर की हेल्थ मैटर ऑफ कंसर्न रहेगी या मदर के साथ रिश्ता ख़राब हो सकता है, लेकिन कारोबार में अच्छी उन्नति आपको देखने को मिलेगी। जॉब व्यवसाय में है तो बड़ी अच्छी आपको उन्नति देखने को मिलेगी, फाइनेंस आपका बड़ा बेहतर हो जाएगा, गुड ग्रोथ आपकी रहेगी, स्पाउस के साथ खटास रह सकती है रिश्तों में। लव लाइफ की ओर ध्यान देके चलें, मदर के साथ अपने ताल्लुकात की ओर ध्यान देके चलें, मदर के साथ रिश्ते आपके ख़राब हो सकते हैं या आपकी लव लाइफ इफेक्टेड हो सकती है। नीड टू बी केयरफुल एंड अलर्ट, दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ अनबैलेंसिंग सिचुएशन, यू विल बी अ पार्ट ऑफ एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू यूर रिलेशनशिप, चाहे वो आपका पर्सनल रिलेशनशिप है, चाहे वो आपका यू नो लव लाइफ है, चाहे मदर के साथ रिश्ता है, कुछ ना कुछ खटास आपके रिश्ते में आ सकती है। तो अलर्ट होकर चलें, अपने वॉइस की ओर ध्यान दें, ईगो एरोगेंस नेचर ना दिखाएं, गुस्से पे अंकुश लगा के चलें तो आपके लिए अच्छा रहेगा, अदरवाइज आपके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं कैप्रिकॉर्न, यू नीड टू बी केयरफुल। अब बात करते हैं एक्वेरियस असेंडस की। थर्ड हाउस में मंगल अपनी राशि में गोचर करेगा, रुके हुए काम आपके बनेंगे, हार्डवर्क आपका पे ऑफ करेगा, कॉन्फिडेंस लेवल आपका बड़ा चढ़ा रहेगा। अपने भुजबल के सदके यानी कि अपने कॉन्फिडेंस के सदके आप कुछ मैजिक क्रिएट करेंगे। ये सारा समय शॉर्ट डिस्टेंस जर्नीज आपकी रह सकती हैं जो आपके लिए बड़ा फ्रूटफुल रहेंगी, हार्डवर्क आपको पे ऑफ करेगा, रुके हुए काम आपके बनते जाएंगे, आपके द्वारा किया गया एफर्ट स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होगा। दिस होल टाइम ब्रिंग्स लॉट ऑफ पॉजिटिविटी फॉर यू, यू विल एंजॉय ऑल अराउंड सक्सेस एंड यू विल फील मच रिलैक्स एंड बेटर। Your resources will build, your good fortune is smile for you, your all pending work will click, your younger siblings will support you, your friends will support you. This will be an excellent time for you. अब बात करते हैं Pisces ascendant की। सेकेंड हाउस में मंगल का गोचर होगा अपनी राशि में, सेविंग्स आपकी राइज होंगी, लेकिन अपनी बोल बानी पर ध्यान दे के चलें, अपने वे ऑफ टॉकिंग पर ध्यान दे के चलें, किसी के साथ अपशब्द ना बोलें, किसी को बुरा ना बोलें,
अपने रिश्तों की ओर ध्यान दे के चलें, फैमिली के साथ चलें, फैमिली के साथ जुड़कर चलें, उनकी रजामंदी से कोई भी बड़ा डिसीज़न लें, अपनी फैमिली की रजामंदी से, अपने पेरेंट्स की, अपने स्पाउस की ब्लेसिंग्स, अपने स्पाउस के साथ आप कोऑपरेटिव वे से चलें और पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स लेते रहें। जितना ज़्यादा आप हार्डवर्क करेंगे उतना ज़्यादा पे ऑफ आपको यहाँ पर मंगल की तरफ से गुड रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, पे ऑफ होगा। Pisces, this will be excellent time in the terms of making money. You will blessed with a lot of money. You will blessed with the new tie-ups, but you need to perform your best and put your efforts at your workplace. जितना ज़्यादा घर में बड़े बुजुर्गों को रिस्पेक्ट देंगे उतना ज़्यादा आपको तरक्की देखने को मिलेगी, अदरवाइज़ यू विल फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, लॉट ऑफ यू नो क्रूशल पीरियड। घर का माहौल ख़राब हो सकता है जब मंगल और राहु 7 डिग्री के घेरे में आएंगे, सो यू नीड टू बी केयरफुल। मंगल और राहु की युति अगर 7 डिग्री के घेरे में जब जाएगी तो उस समय के बीच में अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, तनाव में नहीं जाना, कोई आर्गूमेंट्स नहीं करना, ये सारा समय आपके लिए फाइनेंस को लेकर, आपकी फैमिली ग्रोथ को लेकर बड़ा अच्छा है। लेकिन अगर आप पेरेंट्स की ब्लेसिंग्स लेते रहेंगे, स्पाउस के साथ कोऑपरेटिव वे से चलेंगे, तो ये समय आपके लिए सोने पे सुहागा रहेगा। अगर आप इन दो चीज़ों को फॉलो नहीं करते, फैमिली की, अपने बड़े बुजुर्गों की ब्लेसिंग्स नहीं लेते, स्पाउस की ओर ध्यान नहीं देते या उनको कोऑपरेट नहीं करते, तो कॉम्प्लिकेशंस भी आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। हनुमान जी की भक्ति करते रहें, ओम सीताराम चा हनुमते नमः का मंत्र जाप करते रहें, पिता की ब्लेसिंग्स लेते रहें, मदर की ब्लेसिंग्स लेते रहें, तो ये समय आपके लिए एक्सीलेंट जाने वाला है इन द टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन द टर्म्स ऑफ फैमिली सपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई एम प्रिंग फॉर योर हैप्पी फ्यूचर। नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, जय हिंद। Thank you.